Alright, so we're coming to our next topic here. That is going to be the number of atoms in a unit cell. अब हमने पिछले वाले टॉपिक्स पे क्या किया था कि हमारे पास जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जैसे प्रिमिटिव हो गया तो प्रिमिटिव में लैटिस पॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स राइट अब एक यूनिट सेल क्या है यूनिट सेल एक बड़े क्रिस्टल का छोटा सा हिस्सा है ना तो उसमें क्या होगा कि कोई भी अगर एक लैटिस पॉइंट है वो अपने आप को दूसरे लैटिस पॉइंट्स के साथ शेयर करेगा जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग देखते हैं उस बिल्डिंग में हमारे पास रूम्स हैं एक के ऊपर दूसरा रूम दूसरे के ऊपर तीसरा रूम तो इस तरह से हमारे पास 13 स्टोरी बिल्डिंग है सो उसकी सिमेट्री किस तरह से होती है कि एक रूम है आपके पास उसी के ऊपर दूसरा रूम आना चाहिए बीम के ऊपर बीम पिलर के ऊपर पिलर ऐसे आता है ना So, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये हमारा पूरा क्रिस्टल लैटिस है तो आप देखो इधर कि आपके पास 1, 2, 3, 4 आपको 4 यूनिट सेल्स नजर आ रहे हैं ऊपर उसी तरह से 5, 6, 7 and 8 देर आर 8 यूनिट सेल्स सो बेसिकली एक बॉक्स लिया बॉक्स के अंदर हमने हॉरिजॉन्टली एक प्लेन क्रिएट करा है पार्टीशन बनाई है वर्टिकली एक पार्टीशन बनाई है और उसकी वजह से 8 को हमने 8 में डिवाइड कर दिया इसका मतलब कि अगर हम कोई भी एक कॉर्नर लें जो कॉर्नर होगा वो अपने आप को 8 और कॉर्नर्स के साथ शेयर करेगा ठीक है एक यूनिट सेल उसके अराउंड 8 और यूनिट सेल्स राइट और वो जो कॉर्नर है वो अपने आप को शेयर कर रहा है विद 8 मोर कॉर्नर्स तो इन एक्चुअल अगर हमारे पास हम बोल रहे हैं इन एक्चुअल एक लैटिस पॉइंट पे एक एटम का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही प्रेजेंट है क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं कि दिस इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स तो ये वाला एटम कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 8 पार्ट्स में सो हमारे पास 1/8 हो गया Got it? Now, ये 1/8 और primitive unit cells में कितने lattice points होते हैं? They are going to be 8 lattice points. So, इसका मतलब in total number of atoms which are going to be present. Lattice point तो 8 है, पर number of atoms जो कि एक unit cell में present रहेंगे, एक primitive unit cell के अंदर, that is going to be only 1. Got it? It's just like you have taken a chocolate. उस chocolate को आपने 8 friends के बीच में divide कर दिया. हम बोलते हैं कि उस chocolate के अंदर 8 cubes हैं. ठीक है? इस तरह से आपकी chocolate नजर आती है ना कुछ? 8 cubes हैं इसके अंदर. अब इस 8 cubes को हमने 8 friends में divide कर दिया. Right? तो 8 के पास कितनी chocolate बची? 1/8 of the full chocolate मतलब only one part right तो उसी तरह से इसके पास 8 chocolate के pieces थे उसने अपने 8 friends के पास share कर दिया तो उसके पास खुद के पास कितना बचा है only one so in actual एक primitive unit cell के अंदर सिर्फ 1 atom is present one atom please do not confuse over here between the lattice points and the atoms Right? Lattice point सिर्फ एक point है जहाँ पे constituent particle it's just a position where the constituent particle is going to be present और atom क्या होगा the constituent particles which are going to be present ठीक है so इसके पास कितना हुआ one unit cell is going to have only one constituent particle okay now over here when we go on to the second one The second one which we have, that is going to be what? It is, हमने किया face-centered cubic. अब हम सिर्फ cubic पे आ गए हैं. We are now come to only cubic. पहले हम solid में amorphous और crystal किया, फिर उसके बाद हमने amorphous छोड़ दिया, crystal discuss किया, crystal में हमने 7 crystal systems discuss किए, अब हम उन 7 crystal systems में से सिर्फ cubic को ही क्लासिफाई करेंगे ठीक है हमने सिर्फ क्यूबिक को ही पढ़ना है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अब क्या होगा
Let's say in case of face center qubit, we have the constituent particles which are going to be present at the corners and at the center of each wall. Okay, at the center of each face. So over here, let's say this is our crystal lattice. अब हम इसको दो में डिवाइड कर रहे हैं. Now we have divided into two. So this is one unit cell over here and this is the second unit cell over here. Right? हमने क्या किया कि we have now kept the constituent particle at this particular face. अगर हम इस face पे constituent particle रखेंगे तो ये वाला आधा number one के पास होगा और आधा number two के पास होगा. तो इसकी contribution कितनी हो गई? Only half. Right? It's just like कि एक room आपने लिया है, उस room की wall में एक ball place करा है, जैसे कि वो ball आधा एक room में नजर आता है और आधा दूसरे room में नजर आता है. तो इसकी contribution कितनी हो जाएगी? 1/2. Now we already know that there are going to be constituent particles which are present at all the corners. वो तो है ही है. ठीक है, so corners की contribution हमने यहाँ पे calculate करी, corner की contribution क्या हो जाती है? 1/8 × 8, so that is equal to 1. We have studied that the contribution of face center, that is going to be 1/2, और total कितने faces हमने पढ़े? 6. Okay, there are going to be 6 faces, so 6 constituent particles हो गए, 1/2 × 6. That is going to be equal to 3. So total number of constituent particles or atoms which are present in face center, they are going to be 4. Right? So agar aapko structure aata hai ki ek primitive unit cell hai, usme kitne number of atoms present rehte hain in one mole? To aap kaise karoge? One atom in one unit cell, one mole of unit cells mein kitne ho gaye? 1 × 6.02 × 10⁻²³. ठीक है, so कितने हो जाएंगे total 5 mole में? 6.02 × 10⁻²³. Another question आपको आ रहा है कि face centered arrangement है, तो 1 mole में कितने atoms हो गए ना face centered? So आपके पास कितने हैं? 4 in one unit cell, तो 6.02 × 10⁻²³ में कितने unit cells हो जाएंगे? That sorry, कितने atoms हो जाएंगे? That is going to be 4 × 6.02 × 10⁻²³. Have you understood? Third type of unit cell which we are going to discuss, that is going to be body centered. Okay, now in case of body centered, the constituent particles are present at the corners. Plus 1 is present at the center of the body. ठीक है? So, सारे corners पे present है. Plus 1 is present at the center of the body. Got it? अब क्या होगा? जो हमने यहाँ पे center of the body में place किया है, वो किसी के साथ अपने आप को share नहीं करता. तो उसकी कंट्रीब्यूशन टोटल है 1, राइट? सो व्हाट आर वी हैविंग ओवर हियर? कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 1/8 × 8, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी? टोटल 1. सो इन एक्चुअल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए? 2. गॉट इट? This is a very very important concept because ये आगे आपके numericals आते हैं density वाले, उसमें use होंगे, right? So again over here in case of primitive only 1
constitute particle is present per unit cell. In case of face centered, there are 4 constitute particles present per unit cell. In case of body centered, there are going to be 2 constitute particles present per unit cell. Got it? Now we're going to do another topic over here which is not given in your NCRT, but still usme se hame questions aaye hain, so I'm going to discuss that over here. The nearest neighbor distance. इसमें से आपको 1-1 mark के numericals आते हैं. Nearest neighbor distance. Now, in order to find the nearest neighbor distance, you have to assume कि एक किसी भी unit cell में हर एक constituent particle एक दूसरे को touch कर रहा है. राइट सो ये हमने एक अजम्पशन यहां पे ले ली है. जैसे अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल लेते हैं, ओके सो प्रिमिटिव यूनिट सेल अगेन वी हैव टू ड्रॉ इट टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. Now you have to assume that they are touching each other. तो ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा. Nearest neighbor distance क्या हुआ? The distance between two most closely packed constituent particles. Okay? So अगर let's say यहाँ पे edge length जो होगी that is going to be smallest. So nearest neighbor particle यही होगा. यहाँ पे हम अगर इस line को consider कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, ओके लेट्स ड्रॉ इट दिस फेस. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर टचिंग ईच अदर और जो एज लेंथ है दैट इज गोइंग टू जॉइन द सेंटर ऑफ देयर सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो गया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक एज लेंथ क्या होती है, यही है ना. दिस इज गोइंग टू बी ए बिकॉज इट इज अ क्यूब. A is equal to B is equal to C. सारे edge length same होंगे. All are going to be A. So if this is A, what is going to be the nearest neighbor distance? That is going to be A. ठीक है? और ये हम circle sphere assume कर रहे हैं. तो radius क्या हो जाएगा? Half of this is going to be the diameter because इन दोनों का size same है. So what is going to be the radius over here? A by 2. So for a primitive or a simple unit cell, the nearest neighbor distance that is going to be A and the radius is going to be A by 2. So इसमें आपको edge length दे रखी हो सकती है कि edge length 450 picometers है. Calculate the radius in a primitive unit cell. तो आप क्या करोगे, R is equal to 450 divided by 2, simple. Right? Second we are going to go to face centered cubic. Right? A face centered cubic mein we have constituent particles present at all the corners plus at the center of each face. So main sirf upar wala face hi draw kar rahi hu, theek hai, because otherwise we will get confused. So at the center of this face, so let's say it is present somewhere over here, right? Ab nearest neighbor distance kaun sa hona chahiye, in teenon ko maine touch kar diya hai, usi tarah se ye ye aur ye bhi ek dusre ko touch karenge. Nearest neighbor distance hamara, this is the center of this, this is the center of this, and this is the center of this. The nearest neighbor distance should be this. Okay, so let me take it in a proper manner. हम इस diagonal को join कर देते हैं, right? अब अगर इस diagonal को हम join कर रहे हैं, तो nearest neighbor distance is this and this. Let's say this is A, this is B, and this is C. So we considering over here in triangle ABC,
according to Pythagoras theorem, AC square should be equal to AB square plus BC square. ठीक है? AB square is A square because it is the edge length plus BC square is also A square. So this is going to become equal to 2A square or AC will become equal to under root of 2 into A. अब ये diagonal है, half of this will be D, है ना? So D क्या आ गया? AC divided by 2. Alright, so if D is equal to AC divided by 2, so it can be written as AC is under root of 2 into A upon 2. ठीक है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, under root of 2 into A upon under root of 2 into under root of 2. ठीक है? कट गया. What are we left with? A by under root of 2. So the nearest neighbor distance in face center, that is going to be equal to A by under root of 2. And the radius will be equal to A by 2 under root 2. Got it? So this is what are nearest neighbor distance and radius for a face centered. Then we go on to the last one, body centered. The constituent particles are present at all the corners plus at the center of the body. So they are present at all the corners plus one present at the center of the body. Ab mere neighbor distance kya ho jayega ye? Hai na? ये हो गया nearest neighbor distance along a diagonal. तो हम इसको ये कर देते हैं, this is known as the body diagonal. एक आपका face diagonal होता है जो कि हमने यहाँ पे draw किया है, एक आपका body diagonal होता है जो हमने यहाँ पे draw किया है, right? So over here we have again A, we have B, C, let's write this as D. Now over here we are considering triangle ADC. Okay? ADC. So according to Pythagoras theorem, AD square, that is going to be equal to CD square plus AC square. AD square equal to CD square. इसको हम already joined कर चुके हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे face diagonal draw किया था. That is CD square plus AC square. This is equal to A square. AC square हमने calculate कितना किया था, 2A square. This is going to become equal to 3A square. So what is going to be AD? Under root of 3 into A. What is going to be the nearest neighbor distance? AD divided by 2. Okay, so that is going to be under root of 3 by 2 into A. And what is going to be R? Half of D. So it will be under root of 3 by 4 into A. Got it? So let's summarize. Patapat se ek table. Kyunki humko derivation se kuch lena dena nahi. Hame sirf formula se hai. Because we will not get the derivation. We will only get a question on a numerical, जिसमें आपको edge length दे रखी हो सकती है या आपको radius दे रखा हो सकता है, तो उसके basis पे आपको calculations करनी है. तो एक table draw करते हैं. So you only have to remember the formula. We have type of cubic crystal, distance, nearest neighbor distance and radius. Because this is all what we need to know. The first one which we did was
simple cubic. The nearest neighbor distance that is going to be A, where A is going to be the edge length, radius is going to be A by 2. Okay? Second is face center, where the nearest neighbor distance that is going to be A by under 2. Kya tha? 2. A by under root of 2. And what is going to be the radius? A by 2 under root 2. ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 3 इज बॉडी सेंटर. इन केस ऑफ बॉडी सेंटर द डिस्टेंस d दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 इनटू a, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द रेडियस अंडर रूट ऑफ 3 बाय 4 इनटू a. सो ये आपको फिगर्स जो है वो याद है.